कोयटा में बलोचिस्तान के गवर्नर ए वे वजीर से गड प्रेस कॉन्फ्रेंस कदे शाहिद खाकान अब्बासी तो पाकिस्तान की चूंडियल हुकूमत ही असल में स्टेब्लिशमेंट है। शाहिद खाकान अब्बासी तो कें भी इदारे से टकराव ना अड़ी शूं रुगो अखबारों में ही नजर इंदियन। किसी इदारे की किसी इदारे से बाज आराई नहीं है, अखबार में जब पढ़ता हूँ तो बाज आराई नजर आती है। वजीर आजम चयो तो जेको भी रेफरेंस फाइल थींदो हू उन जो दिफा कंदा, दिफा करण हर इदारे जो हक है, सूबन के जेतरा फंड दिना उनको को भी मिसाल नथो मिले। वजीर आजम चयो तो गडजाणियुन में टिन मामलन ते गौर कयो वियो, सब खां पहिरियों सूबे में अमन अमान की सूरत हाल, सूबे में हलंदड़ तरक्याती रिथाउन ए सीपैक के मनसूबन में अगभराई जो जायजो वरतो वियो। इस सूबे में अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे। इसके अलावा सीपैक के जो मनसूबे हैं उनको रिव्यू किया गया। यह रिथाउं तेजी से मुकम्मल थी रही हैं, जल्द बलोचिस्तान मुल्क में अमीर तरीन सूबो बनजी वेंदो। और हमारी ये कमिटमेंट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और नवाज शरीफ साहब की कि इंशाल्लाह बलोचिस्तान जो है वो हमें पूरी उम्मीद है कि जल्द ही पाकिस्तान का अमीर तरीन सूबा होगा इंशाल्लाह। शाहिद खाकान अब्बासी चाहे तो सूबन के मुकम्मल रॉयल्टी मिलंदी आहे, सूबा के भी नुकसान में ना हैं। एक बात जरूर बता सकता हूँ कि उसमें सूबे किसी तरह भी आज नुकसान में नहीं है। मैं आपको बिल्कुल वजाहत से, क्योंकि गैस में खुद डील करता था और आज भी करता हूं, तो गैस के हवाले से कम अज़ कम सारे सूबे जो हैं वो इस वक्त पॉजिटिव जा रहे हैं, नेगेटिव में वो नहीं है। उन्होंने तो सियासी पार्टियों से गालियों जो सिलसिलो जारी है। जरदारी साहब मौके जो फायदो वठंदे बयान दिनों, खेस डायलॉग में शामिल थन घुर्जे।